जय तिरुपति बालाजी। आज मैं आपको तिरुपति बालाजी में कैसे ऑफलाइन रूम बुक करें, जो लोग अभी तक ऑनलाइन रूम बुक नहीं किए हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप यहाँ पर आकर रुमाला में 50 रुपये में रूम बुक कर सकते हैं और यहाँ की प्रोसेसिंग क्या क्या रहेगी, वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रूफ चाहिए, कितने लोगों को रूम मिल जाएगा और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिससे कि आपको रूम मिलने में दिक्कत हो, और मुझे यहाँ पर कैसे रूम मिला और कितने रुपए में मिला, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और गाइस, मेरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको यहाँ पर रूम बुकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, और जैसे मुझे यहाँ पे रूम मिल गया ऑफलाइन, वैसे ही आपको भी यहाँ पर मिल जाए। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइस, चलते हैं रूम बुकिंग की तरफ और ऑफलाइन रूम कैसे बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग होती है CRO ऑफिस में, और जब आप ATGS सर्कल में पहुंचोगे तो आपको ऐसे ही वेंकटेश्वर भगवान का आपको प्रतिमा देखने को मिल जाएगा, और इसी प्रतिमा के जस्ट सामने ही CRO ऑफिस है और आपको वहीं जाना है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो टीन सेट बनाया गया है, यहीं पर CRO ऑफिस है। सो गाइज, हम लोग चलते हैं CRO ऑफिस और वहाँ चल के हम लोग रूम बुक करते हैं, और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती रहूँगी। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और 6 बजे यहाँ पे आप भीड़ देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, और सब लोग अपने अपने लाइन में लग चुके हैं और इसी लाइन में मैं भी लग गई। और गाइज, मैं आपको बता दूँ, जो CRO ऑफिस की जो टाइमिंग है वो सुबह के 4 बजे ओपन हो जाता है। सो गाइज, जितना जल्दी अगर आप आओगे उतने ही जल्दी आपको रूम मिल जाएगा और भीड़ भी कम रहेगी। और अभी 6 बज रहे हैं और 4 बजे ओपन हो जाता है CRO ऑफिस, तो गाइज़ आप लोग समझ सकते हो कि 6 बजे कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो गई है, और एक टाइम पे ऐसा होता है कि रूम नहीं भी मिलता है। सो गाइज़, आप लोग जल्दी आइएगा CRO ऑफिस ताकि आपको रूम मिल सके। सो गाइज़, अभी हम लोग हॉल में आ चुके हैं और यहीं पर रूम के जो रजिस्ट्रेशन होता है वो काउंटर यहाँ पे बना हुआ है, और यहीं पर रूम का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके लिए आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आधार कार्ड का जीरोक्स होना चाहिए, उसके बाद आपको आपका रूम मिल जाएगा, जैसे कि मुझे मिला है। सो गाइज़, ये रहा यहाँ का रूम का मिलने वाला प्रोसेसिंग। उसके बाद अभी और भी बहुत सारे प्रोसेसिंग बचे हुए हैं जो आपको मैं और बताऊँगी आगे वीडियो में। सो गाइज़, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो गाइज, अभी हम लोग CRO ऑफिस के पास यहाँ पर बैठे हुए हैं, और गाइज 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोग को जो रूम का जो स्लिप है वो मिल चुका है। और रूम का स्लिप मिलने के बाद आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट होता है रूम का वो 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रूम जो है वो आपके नाम हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे 1 दिन के लिए ही आपको रूम मिलेगा 24 आवर्स के लिए, और 100 का भी रूम मिलता है, 50 रुपीज़ का भी रूम मिलता है, जैसा आप लेना चाहो वैसा आपको रूम मिल जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अनमैरिड वालों को यहाँ पे रूम अलाउ नहीं है, और जो मैरिड है उनको रूम अलाउ है, और 21 ईयर्स के जो ऊपर रहेंगे उनको रूम अलाउ है, और उसके नीचे जो कम एज के रहेंगे उनको रूम नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो गाइज, ये रहा यहाँ का प्रोसेस। और हम लोग तिरुपति से हम लोग सुबह के वही 4 बजे निकले थे, और यहाँ पर हम लोग 6 बजे पहुँचे हैं तिरुमाला में, और उसके बाद हम लोग लाइन में लग गए हैं, क्योंकि सुबह का टाइम था तो भीड़ उतनी नहीं थी, फिर भी हम लोग को 2 घंटे लगे। तो गाइज, जितना लेट करोगे उतना ही आपको रूम मिलने में देरी हो सकती है, एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको रूम भी ना मिले, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अभी जैसे रूम मिलेगा मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ कि रूम किस तरह का है। सो गाइज, मेरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, और जो रूम हम लोग का स्लिप जो मिला था रूम का, उसका अलॉटमेंट जो नंबर है वो अभी आ चुका है मैसेज के थ्रू, और हम लोग मैप के थ्रू वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर हमारा रूम अलॉट हुआ है। सो गाइज,
चलते हैं और मेरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि पूरी रात नहीं सोए हैं, अभी पूरा दिन हो गया और आज शाम के 7 बजे हम लोग का नंबर है दर्शन करने का। तो गाइस मेरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, मैं पूरा अपडेट आपको देती रहूँगी। और अभी चल रही हूँ मैं आपको रूम दिखाने के लिए। हम लोग गए थे कि काउंटर पर और वहाँ पे उन्होंने बताया कि की तभी आपको मिलेगा जब आप थोड़ा दूर जब पे ऑफिस है वहाँ जाकर आप पेमेंट कराओगे तभी आपको की यहाँ पर मिलेगा। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए और देन उसके बाद हम लोग को रूम की की मिल जाएगी। और काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को रूम तक आते आते क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूर है रूम जहाँ से हम लोग को स्लिप मिली थी रूम की। और गाइस हम लोग बहुत थक गए हैं और मिलते हैं अभी पेमेंट करने के बाद, फिर आपको रूम दिखाते हैं। और गाइस अब यहाँ पर हमारा पेमेंट होगा रूम का और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद फिर हम लोगों को की मिल जाएगा। सो गाइस पेमेंट यहाँ पर होता है। सो गाइस सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरा जो अपार्टमेंट मुझे मिला था रूम का वो था GNC अपार्टमेंट में मेरा रूम था और उसी के ऑफिस में आकर हम लोगों ने यहाँ पे पेमेंट किया है। और गाइस ये रहा हमारा स्लिप, स्लिप आप बहुत संभाल कर रखिएगा क्योंकि जब आप रूम छोड़ोगे उसके बाद आपको यही स्लिप दिखाकर आपको आपका पैसा रिफंड आएगा। और गाइस 50 रुपीज़ का हम लोग को यहाँ पे रूम मिला है और 500 रुपये सिक्योरिटी मनी यहाँ पे जमा हुआ है। और अब हम लोग आ गए हैं अपने रूम कीज काउंटर पर और यहाँ पर वही स्लिप दिखाकर फिर हम लोग को यहाँ पे रूम मिल जाएगा, रूम की हम लोग को मिल जाएगी। सो गाइस स्लिप आप ज़रूर रखे रहिएगा, उसको फेंकिएगा नहीं, अदरवाइज़ आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा ना ही रूम मिलेगा। सो गाइस स्लिप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और अब हम लोग को यहाँ पे की मिल चुका है, वेरीफाई हो गया है हम लोग को। और गाइस अब मैं चल रही हूँ आपको अपना रूम दिखाने के लिए और ये रहा हमारा रूम जो हमें 50 रुपीज़ में मिला है और TTT संस्थान के द्वारा ये हम लोग को रूम मिला है। सो गाइस अप्रिसिएट करना चाहिए कि 50 रुपीज़ में आपको वेल मेंटेन रूम मिल रहा है और प्लस गीज़र भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सो गाइस 50 रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम है और आपको दर्शन करना है, यहाँ पे रुकना है, 24 आवर्स के लिए आपको रूम मिल जाता है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।